लगातार 40 सालों से चुनाव जीतते आ रहे पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने मंच से एमपी का मुख्यमंत्री बनने को लेकर बड़ा बयान दिया है और अपने इस चुनाव को आखिरी चुनाव बताया है। सागर जिले की रेहली विधानसभा से 8 बार से चुनाव जीतते आ रहे मंत्री भार्गव ने कहा, मेरे गुरु ने कहा है कि एक बार और चुनाव लड़ो, ये अंतिम चुनाव होगा। इसके साथ ही उन्होंने इशारों ही इशारों में कहा कि इस बार एमपी में किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है और अगर गुरु की आज्ञा है तो हो सकता है उनकी कोई इच्छा हो और ईश्वर की तरफ से ये बात आई हो। आरती सर्वाने में खारे सर्वान सब इतना सब कुछ किया, परेशान होता रहा तो गुरु जी ने कहा कि मेरे जो गुरु उन्होंने कहा कि जब इतने परेशान हुए हो तो एक बार आप कॉल लड़ जाओ, एक बार चुनाव लड़ जाओ, अंतिम चुनाव होगा। अब जो भी गुरु आदेश है तो निश्चित रूप से मुझे भी लगा कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा, ये नहीं बताया जा रहा है कि फला मुख्यमंत्री होंगे फला नहीं होंगे, तो जब गुरु आ गया है तो मुझे लगा कि हो सकता है कि गुरु की कुछ इच्छा हो। इसके आगे मंत्री भार्गव ने कहा कि ऐसी कोई चाहत नहीं है, लोगों को सरपंच और पार्षद बनने परेशान होना पड़ता है, ईश्वर ने मुझे सब बनाया, नगर पालिका अध्यक्ष बनाया, विधायक मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री के बराबर पद नेता प्रतिपक्ष बनाया, मैं 108 विधायक का नेता था, कमलनाथ 113 विधायक के नेता थे, हर चीज का मुहूर्त होता है, हो सकता है मेरे भाग्य रेखा में ना हो लेकिन समय कब कैसा हो जाए कह नहीं सकते, हो सकता है जगदम्बा के परिसर में आपकी आवाज सच हो जाए, जो भी बनूं आपके लिए बनूं। नेता प्रतिपक्ष लीडर आप अपोजिशन मध्य प्रदेश का बना दिया बगैर उसके, तो मुझे लगता है कि ठीक है बाद में सरकार जो बदली उसमें मैं सोचता था कि शायद नेता प्रतिपक्ष बनाया है, 108 विधायकों का मैं नेता था, कमलनाथ जी 113 विधायकों के नेता थे लेकिन वो संभव नहीं हो पाया, तो हर चीज का मुहूर्त होता है और हो सकता है मेरी हस्त रेखा में मेरे भाग्य रेखा में नहीं हो लेकिन समय पता नहीं कब क्या कैसा आता है, तो हो सकता है कि जगदम्बा जी की इस परिषद से आपकी आवाज़ जो है वो निश्चित रूप से। मंत्री गोपाल भार्गव सागर जिले की रेहली विधानसभा में प्रसिद्ध देवी सिद्धपीठ की टोरिया धाम में सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 17 करोड़ 28 लाख रुपयों की लागत से अंतरराष्ट्रीय फेनिकुलर तकनीक से स्थापित होने वाले रोप के भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे थे जहां उन्होंने ये बयान दिया। मंत्री गोपाल भार्गव इससे पहले भी कई बार इस तरह के बयान देते रहे हैं। वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टार्टिंग फ्रॉम प्री प्राइमरी टू सीनियर सेकेंडरी पर्सनलाइज्ड एजुकेशन कमिटमेंट इंश्योर्स दैट ईच स्टूडेंट नेशनली रिकॉग्नाइज्ड करिकुलम स्कूल हैज लैब्स इंक्लूडिंग फिजिक्स लैब बायोलॉजी लैब केमिस्ट्री लैब computer lab and book library, beautiful 13-acre campus to students to learn and play with magnificent modern facility and traditional architecture. Vatsalya Senior Secondary School is one that any student would love to explore. I love my school. And determination, sports, activities and dance room. Vatsalya reshapes one student at a time to build a strong community. Vatsalya is where education meets excellence.